हेलो गाइस, आई एम सेक्नोजिया। सो आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब हम कोई मेथड क्रिएट करते हैं एंड हमें उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा होता है हमें से क्या वैल्यू इनिशियलाइज करें, तो हम उसके बाद में वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं उस क्लास के नाम पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके। सो वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफ़ॉल्ट, नो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी सोवा डॉट जावा क्लास में आपको मेथड क्रिएट करके दिखाएंगे एंड उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक वाइड डिस्प नेम से। सो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें जीरो या नल वैल्यू इनिशियलाइज कराता है, जीरो या नल वैल्यू आउटपुट में देता है। सो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लेके देखता हूँ, ऊपर इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, एंड मैं अभी इसको यहाँ पे अगर ऐड कराता हूँ या मल्टीप्लाई कुछ भी कराता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे नल कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या वैल्यू प्रोवाइड होती है। मैं यहाँ पे मल्टी करा देता हूँ, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे प्लस का साइन करा के मैं इस दोनों का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इसको क्रिएट कर दिया है, मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी एक्स एंड वाई की। तो अभी मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर के निकलने इस ओवर डॉट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ओवर फंक्शन की ब्रैकेट्स एंड सिंपल ये। तो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, अगर हम इसको बनाते हैं तो भी ठीक, और इसको नहीं लिखते हैं इस ओवर डॉट इस तरह से तो भी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अभी हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसकी वैल्यू को कॉल करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी क्लास ओवर डॉट जावा की है, तो यहाँ पे ओवर डॉट जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, ओवर एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड एंड ओवर एंड इस ब्रैकेट्स का साइन यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हम उस मेथड को कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्प नाम से क्रिएट किया हुआ है। सो अभी हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जीरो या नल वैल्यू प्रोवाइड होगी। सो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, तो हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर हम इसको नहीं भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो भी ये डिफ़ॉल्ट है, अपने आप ही वैल्यू को ले लेगा एंड जीरो प्रोवाइड कराएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से हमें यहाँ पे जीरो वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे अभी एक्स और वाई की वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे उसको एक्स और वाई की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराता हूँ एंड इस लाइन को भी कमेंट में दे देता हूँ। अभी हम इसका कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने वाले हैं ओवर क्लास का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा ओवर। इसके अंदर हम अभी हम सिस्टम डॉट आउट स्टेटमेंट देंगे प्रिंट का, एंड यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे हेलो यूट्यूबर्स, हेलो यूट्यूबर्स। अभी हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई, यानी कि कोई भी पैरामीटर नहीं दिया एक्स वाई का, सीधा सीधा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया प्रिंट का। तो अभी हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं हमें किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड होगी। हेलो यूट्यूबर्स, हमें यहाँ पे इस वैल्यू को मिल रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा थर्ड एंड लास्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज में हमें यहाँ पे इसको पैरामीटर्स देने होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इसको वैल्यू में पैरामीटराइज देंगे इंट एक्स वाई जेड की। सो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई क्रिएट किया है, तो अभी मैं इस बारी वॉइड ना करके मैं यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ जो कि मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा। सो मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी है, बट मैं इसको यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट का यूज़ किया है, मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप वार्निंग देख रहे हैं तो ये वैसे भी सेमी कॉलन वेट, तो यहाँ पे वार्निंग दिखाएगा रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। सो वेट, मैं यहाँ पे रिटर्न का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे कोई वार्निंग हमें नहीं दिखा रहा है। अभी इस कंस्ट्रक्टर के हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे एक्स एंड वाई की। अगर आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ 10 एंड वाई की वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ 20। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इंटीजर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीजर का यूज़ करना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया है। अभी मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा आपको। तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में इसको आउटपुट देना होगा, यानी कि ओबी डॉट डिस्प्ले में। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सो ओबी डॉट इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे प्रिंट एल एन। सो अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है। 200 आउटपुट मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे वैल्यू को प्रोवाइड करा दिया है। अभी आप चाहें हैं तो मल्टीप्लाई
लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। तो अभी मैं इसको रन कराऊँगा तो मल्टी इक्वल टू 200 आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसको पैरामीटराइज में, अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ, तो किस तरह से हमारा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो इसके लिए आपको यहाँ पे हो सकता है दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ सकता है। मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। वाई, यहाँ पे मैं एक वाई और ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी। सो एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे वैल्यू दे दी है, तो मुझे यहाँ पे इसको वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पे अभी एरर्स हो करेगी, वेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर्स हो कर आ रही है, क्योंकि ये बोलता है यहाँ पे मुझे इंटीजर इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी। तो मैं यहाँ पे इसको 5.6 वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ। अभी मैं इसको रन कराऊँगा तो आप देख सकते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मुझे यहाँ पे 30 आउटपुट मिल रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज करके यहाँ पे वैल्यू इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड का यूज़ करते हुए। थैंक यू गाइस।